Honda 121 में आपका स्वागत है. गुड मॉर्निंग होंडा 121, दिस इज दलजीत. कौन बात कर रहे हैं? जी सर, दलजीत सर. हेलो, सुनता रहे? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ. क्या नाम है आपका? जी, आपकी बात दलजीत से हो रही है सर. दलजीत जी, मेरी एक कंप्लेंट थी. जी. उस कंप्लेंट होंडा के न्यूज़ थी. जी. एक होंडा में गाड़ी जा रही है कंटिन्यू. जी. और कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है. मैं माफी चाहती हूँ, आपको असुविधा हुई है. आपका नाम जान सकते हैं सर? गाड़ी का नंबर बता दें. जी बिल्कुल. DL 5C. ओके सर. हेलो जी सर. DL 7C. एस एन एको, एफ एस एन फ्रांस. जी. 8615. आपने ऑलरेडी कंप्लेन रजिस्टर कराई हुई है सर? मैम ऑलरेडी 5 कंप्लेन रजिस्टर, लेकिन अभी तक आपकी तरफ से कोई सर्विस कॉल आउट नहीं आया कि सर आपकी गाड़ी ठीक हुई नहीं हुई. एस होंडा ने आपको रिस्पॉन्स दिया नहीं दिया. एस होंडा वाले कह रहे हैं सर होंडा में कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, काम तो नहीं कर रहा. आप कितनी कंप्लेन कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर हमने मना कर दिया तो होंडा भी कुछ नहीं कर पाएगा. मैं चेक कर लेती हूँ सर. आपने मुझे गाड़ी का नंबर बताया, DL7, सी एज एन कैनेडा, ई एज एन एको, एफ एज एन फ्रांस. DL 7CF. ठीक है, 7CF. क्या मैं आपकी कॉलिंग पॉइंट के लिए हेल्प रख सकती हूँ सर? धन्यवाद सर, लाइन पे बने रहिएगा. लाइन पर बने आने के लिए धन्यवाद सर. जी सर, जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ, आपने ये कंप्लेंट 5 मई को रजिस्टर करवाई थी और आपका कंसर्न था गाड़ी लेके नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम लेके आए, तो आज उसका वो सारा सर्विस चार्ज हमें आपसे लेना पड़ेगा. सेकंड कंप्लेंट मैम, मैंने 2 दिन तक गाड़ी रखी, उसके बाद मैंने वो सर्विस चार्ज, पहले मैंने कंप्लेंट करी होंडा में, होंडा से कही ये बात है, तो होंडा ने मेरे से बोला वो डीलरशिप पर्सनल है, आप 2000 मांगे या 10000 मांगे वो तो आपको पे करने पड़ेंगे. मैंने उसके बाद जाके सर्विस एक होंडा में गया, फिर दोबारा से उनसे बात करी, तब मैंने उनको सेटल करा कि भाई जो भी एक अमाउंट है वो अमाउंट लेकर आप मेरी गाड़ी ओके करो. उन्होंने क्या करा, बिना गाड़ी को चेक करे गाड़ी की वायरिंग खोल डाली, गाड़ी की सारी चीज़ें ओपन कर दी. उसके बाद 2 दिन तक उन्होंने गाड़ी रखी, फ्राइडे एंड सैटरडे. लास्ट फ्राइडे और सैटरडे उन्होंने मेरी गाड़ी अपने कस्टडी में रखी. उन्होंने कहा सर गाड़ी को पूरा चेक करना पड़ेगा, सब कुछ ओपन करना पड़ेगा, हो सकता है अगर ज़्यादा जरूरत पड़ी तो इंजन भी ओपन करना पड़ेगा. मैंने कहा भैया इंजन में विदाउट परमिशन ओपन आउट करना है. कह रहे ठीक है सर, आपको अपडेट कर देंगे, ओपन करना पड़ेगा तो. ठीक है, उसके बाद सैटरडे को कहा गाड़ी जो नॉमिनल चार्जेज हैं हमारे कमिटमेंट थी उस चार्जेज को अपडेट करके गाड़ी ले जाएंगे. मैं वहाँ गया शाम को, गाड़ी लेके आया, विद इन अ हाफ किलोमीटर चलाऊंगा मैं आपको गाड़ी में सेम प्रॉब्लम ट्रिपिंग की ट्रीटमेंट हुई. मैंने तुरंत ही कस्टमर केयर में कॉल किया आपको होंडा में और कंप्लेंट कराई थी और सेम प्रॉब्लम मेरी काम करना, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं किया. मैंने वहाँ से भी किया, उनके मैनेजर ने अपडेट किया कि सर प्रॉब्लम सेम है. उन्होंने कहा ठीक है सर, एक काम करके आप कल आइए गाड़ी को, मैं दोबारा से चेक करा लेते हैं. अगले दिन मैं लेके गया, अगले दिन काफ़ी देर तक 2 से 3 घंटे तक गाड़ी खड़ी रही. मैंने कहा भैया मेरे को 3 दिन हो गए हैं ऑलरेडी आपके पास गाड़ी, आपको मंडे को ऑफिस में जाना है और भी कहीं जाना है, बाहर भी जाना है, आप प्लीज़ मेरी एक बार गाड़ी चेक कर लीजिए. उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपकी गाड़ी चला लेते हैं. उसके बाद मैंने कंप्लेन भी की कस्टमर केयर में फिर से, सर गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम जो भी है वो प्रॉपरली सॉल्व नहीं की जा रही है और जो बंदा है वो अंदाजे से चेक कर रहे हैं, कोई भी मशीन भी नहीं कर रहे हैं.
के बाद एक बंदा आया इलेक्ट्रॉनिक वाला, उसने गाड़ी में अपनी मशीन लगाई, मशीन लगाते हुए मेरी सिग्नल आ गया कि बैटरी डैमेज। उसने मुझे कहा सर आपकी तो बैटरी खराब है, आपको तो वायरिंग ओपन कराने की जरूरत नहीं। मैंने कहा तो भाई ये एक होंडा के बंदे की बात कर रहा हूँ, उसका नाम अशोक है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा सर आपकी तो बैटरी में प्रॉब्लम है, बाकी तो नहीं लग रहा कुछ ना, बाकी प्रॉब्लम अगर आप देखते नहीं आप बैटरी का एक होंडा के। उसके बाद पूरा चेकअप किया गया गाड़ी का, गाड़ी परफेक्टली ओपन की। मैंने कहा जब आपको पता था कि गाड़ी की बैटरी में प्रॉब्लम है तो आपने इतना सारा वो क्यों किया? कह रहा जी पैसे निकालने का तरीका होता है, अब बंदे को एक मिनट का बता देंगे, फिर बंदा पे नहीं करेगा उस चीज़ को, कहेगा जी एक मिनट में बताने के मैं आपको 2000 रुपये क्यों पे करूँ। तो सर ये कंपनी की पॉलिसी हम कुछ नहीं कर सकते, पैसा आपको मैं जो बनाने के काम रखा है उसको लगता है जी। मिस्टर गुप्ता आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि जो आपने लास्ट कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी वो ये थी कि आपका जो इंजन था गाड़ी का वो ट्रिप कर रहा था, जिसके लिए आप डीलरशिप पे लेकर गए, उन्होंने आपको बोला 1200 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे वो आपको, और फिर वो गाड़ी चेक करेंगे। जी बट जैसे कि मैं से कर पा रही सेम कंप्लेंट थी तो लास्ट बट हमारे पास आया है डीलर साइड से, वो ये है कि गाड़ी डिलीवर कर दी गई है कस्टमर को, और चेक करके कि प्रीवियस जो था वो वर्किंग में था और बैटरी जो है वो रिप्लेस होनी थी, जिससे कि कस्टमर रिफ्यूज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। जी जी जो कि कोई भी आदमी नहीं लेगा, इट्स नॉट ऑथराइज डीलर। ऑथराइज डीलर के पास से जाके आप बैटरी लो तो 4000 की बैटरी है, अगर आप एक ऑर्डर की बैटरी परचेज करोगे तो 600 की है, तो आप भी मेरे ख्याल से परचेज नहीं करोगे। कस्टमर ने किस लिए मना करा था? उन्होंने सिर्फ ये बैटरी ये मतलब वो जो आपको बैटरी जी जो बैटरी है वो आपको महंगी बता रहे हैं मैम, 2000 रुपीज महंगी बता रहे हैं, नॉट अ 1-2 रुपीज 2000 की बता रहे हैं वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। उन्होंने मुझे कितने की सर? 3300 की। हाँ जी उन्होंने, और वो आपसे 600 बताया, उन्होंने 6600। हाँ जी जी वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है ऑब्वियसली मैम, किसी को गवर्नमेंट का। जैसे कि मिस्टर गुप्ता आपका ये कहना है कि आपने बाहर किसी ऑथराइज डीलर से पूछा है सेम बैटरी, वो 3300 के दे रहे हैं, लेकिन आपने और उसका बिल भी है मेरे पास ओरिजिनल, ठीक है, और जो ये डीलर है आपको बता रहे हैं कि 6600 की है, 800 का बिल काटने को रेडी है, 800 नोएडा। हाँ जी 800 नोएडा, ठीक है सर। इस कॉल के बाद मैं मेट्रो आपका एक बार कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ और जो भी रिवर्ट होगा आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। प्रॉब्लम ये आई कि बैटरी चेंज कराने के बाद नया वायरिंग में मैंने फॉल्ट डाल दिया, वायरिंग फॉल्ट कि मेरे ना डिपर लग रहे हैं ना लाइट जल रही है, और मैं नेशनल हाईवे पर गया था दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे, रात को मेरे ना लाइट जल रही थी इतना डिपर चल रहा था। आपने सर ये कहा है कि आपने जो बैटरी है बाहर से परचेज की है, लेकिन लगवाई आपने एस होना नॉयडा से है? नहीं नहीं वो बैटरी लगाते रहती ना, लेकिन बाकी गाड़ी ओके है। बैटरी अगर बैटरी गलत होगी मैम, बैटरी गलत होगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जी गाड़ी स्टार्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, वायरिंग उन्होंने ओपन करी थी जो कि करने की जरूरत नहीं थी, जिसकी वजह से आगे की लाइट नहीं जल रही, और ये कंप्लेन मैंने पहले ही करी थी। लाइट चेक कर लो, उन्होंने कहा आप बैटरी चेक करा लो, बैटरी चेंज करा लो, तभी हम लाइट चेक करेंगे, बिना लाइट बिना बैटरी के लाइट चेक नहीं हो सकती। जबकि गाड़ी इन्होंने ओपन की थी और वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम कर दी इन्होंने, वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम कर दी ओपन कर, जो भी प्रॉब्लम रही हो फॉल्ट रहा हो जो भी कनेक्शन में प्रॉब्लम रह गई हो आगे की लाइट चेक करके बाकी सब ठीक है। डिपर लाइट नहीं चल रही, डिपर लाइट नहीं और अंदर की लाइट नहीं जल रही, दरवाजा ओपन होने की लाइट जलती है वो भी नहीं। जी जी ठीक है सर, ये मैं मेंशन कर देती हूँ और इस कॉल के बाद मैं आपका मैटर फॉरवर्ड कर देती हूँ। ठीक है सर, ये मेंशन कर देती हूँ, इस कॉल के बाद आपका मैटर कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ और आपको कॉल बैक आ जाएगा सर डीलर साइड से, ठीक है। जी कौन सी डेट को? होंडा की तरफ से सर्विस कॉल नहीं आया कि सर आपकी गाड़ी ठीक हो गई नहीं हुई, सर आप सेटिस्फाइड हमारी सर्विस से नहीं है, आपने एक होंडा में कैसा रिव्यू दिया, मतलब किसी भी
ऑलरेडी 3 बार कंप्लेंट करा चुका हूँ, 3 से 4 बार होंडा में। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, सोशल नहीं है, सर ऐसा नहीं है। मैं ये मेंशन कर दूंगी सर कि आपको कोई फीडबैक कॉल भी नहीं आई है। फीडबैक कॉल नहीं है, कोई सर्विस कॉल नहीं आई, आपका सेटिस्फाइड है, नहीं सेटिस्फाइड है, आपकी गाड़ी सही हुई नहीं हुई, और इवन आपको एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों को डिफर प्रोडक्ट है, दोनों कोई भी नहीं करेगी। ठीक है सर, मैं मेंशन कर दूंगी। ठीक है जी, आप कंप्लेन नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 1-777-265-0346-46। बिल्कुल सर, आप नोट डाउन कर लीजिए, कस्टमर सॉरी जी सर, वेट सर, जी सर नोट डाउन कीजिए, कस्टमर अंडरस्कोर रिलेशन एट द रेट ऑफ होंडा कार इंडिया .com। कोई हायर अथॉरिटी की मेल आईडी? सर यही हमारी सेंट्रलाइज ईमेल आईडी है और ये हमारे सीनियर्स की है, आप इसी पे ही मेल कर सकते हैं। चलो ठीक है मैम, थैंक यू जी। होंडा 1-to-1 में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मिस्टर गुप्ता, आपका दिन शुभ रहे।